और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कोरोना के प्रकोप को खत्म करने के लिए जी जान से काम कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीजों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और इसके साथ ही सीएम ने लोगों से अपील की कि लोग हर हाल में घर पर ही रहने की कोशिश करें, घर पर ही रहें और परिवार के साथ वक्त बिताएं। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी बड़े स्तर पर पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस जानलेवा कहर के प्रकोप को कम करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने दावा किया है कि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को जरूरी चीजों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम शिवराज ने लोगों से अपील की है कि लोग घर में रहें और परिवार के साथ वक्त बिताएं। कोरोना वायरस के संक्रमण को अगर परास्त करना है, रोकना है, समाप्त करना है तो एकमात्र उपाय है हम अपने घरों में रहें। मैं जानता हूं मेरे बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, कई तरह की परेशानियां सामने आती है, लेकिन याद रखो जान है तो जहान है। शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम। इसके अलावा कोरोना वायरस के कहर और लॉकडाउन को देखते हुए शिवराज सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। सरकार हर गरीब को निशुल्क राशन देगी। सरकार ने फिलहाल राशन के लिए राशन कार्ड की अनिवार्यता खत्म की। कोरोना से बचाव के लिए सरकार त्रिस्तरीय काम कर रही है। कोरोना के संदिग्ध लोगों के टेस्ट कराए जा रहे हैं। कोरोना की टेस्टिंग किट की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। जरूरत पड़ने पर प्राइवेट अस्पतालों को हायर किया जाएगा। सरकार ने 1,00,000 टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया है। सरकार डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी कटिबद्ध है। पीपीई किट्स की आपूर्ति भी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा सीएम शिवराज ने लोगों से अपील की है कि लोग जागरूक रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें। सरकार ने लोगों से अपील की है जो मजदूर जहां है वहीं रुके। मजदूरों के आवास और उनके भोजन की व्यवस्था सरकार करेगी। बाहर से आने वाले लोग जाँच कराने के बाद ही गाँव में आए। हमें विश्वास है हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। साधारण सर्दी खांसी में घबराएं नहीं। हर किसी के इलाज के इंतजाम किए जा रहे हैं। पीड़ितों के साथ स्नेह का भाव रखें। बेहद जरूरी होने पर घर से बाहर निकलें। बाहर निकलने पर एक दूसरे से 3 फीट की दूरी बनाएं। इसके अलावा सरकार ने किसानों से भी अपील की है कि किसान संकट की इस घड़ी में बिल्कुल ना घबराएं। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। आपको खाद और बीज जैसी उपयोगी चीजों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। एक चिंता आपको होगी कि हमारी फसल के उपार्जन का क्या होगा। थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन निश्चिंत रहिए मैं हूं ना, हम खरीद की भी उत्तम और पूरी व्यवस्था करेंगे। साथ ही सरकार ने मकान मालिकों से अपील की है कि मकान मालिक किराएदारों पर किराया लेने का दबाव न बनाए और ना ही जबरन किसी को घर से निकालें। कोई मकान मालिक जबरदस्ती मकान खाली ना करवाए। कुछ जगह से डॉक्टर नर्स को भी कहा कि मकान खाली कर दो। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किराया लेने के लिए भी कोई इंसिस्ट ना करे। सरकार ने फैक्ट्री मालिकों को भी निर्देश दिए हैं कि फैक्ट्री मालिक कर्मचारियों को काम से ना निकालें। सारे फैक्ट्री मालिकों को मध्य प्रदेश हम निर्देश दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके कारण आपकी फैक्ट्री चलती है। जब तक काम किया तब तक पास रखें, अब काम नहीं तो बाहर कर दें, ये नहीं होगा। कोई फैक्ट्री मालिक किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकता और उसको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन कोरोना योद्धाओं का भी शुक्रिया अदा किया है जो कोरोना पीड़ितों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।